ओम परम ब्रह्मणे नमः। अव्यक्त परम ब्रह्म को भावना करिवार विषय रामचंद्र भक्त हनुमान को उपदेश देउछन्ति। मुक्ति को उपनिषद रे द्वितीय अध्याय 74 नंबर श्लोक अशब्दम स्पर्शम रूपम व्ययम तथा रसं नित्यम गंधवत जत अनाम गोत्रं मम रूपमिद्रूसं भजस्प नित्यं पवनात्मकार्तियं दृश्य स्वरूपं गगनोपमं पारं सुकृत्पिभातं बीजमेकमक्षरं आलिपकं सर्वगतं जतद्वयं तदेकचाहं सकलं विमुक्तं दृशिस्तु शुद्धो अहमभिक्रियात्मको न मेस्ति कश्चिन् द्विषयः स्वभावतः पुरस्थिरश्चोद्धर्मधश्च सर्वतः सम्पूर्ण भूमाहमीतिह भावय अजोऽहमरश्चैव तथा जरो अमृतः स्वयं प्रभः सर्वगतोऽहमव्ययः न कारणं कार्यमतीत्य निर्मलः सदैव तृप्तोऽहमीतिह भावय जीवन मुक्तं पदं व्यक्ता स्वदेहे कालसात्कृते विसत्य देह मक्तत्वं पवनः स्पंदतामीव। अर्थात प्रभु रामचंद्र कहुचंति हे पवन तनय आम्भर सच्चिदानंद रूप शब्द वाच्य नुहे चागिंद्रयर ग्राह्य नुहे यह शून्य रूप अविनाशी स्वादरहित नित्य गंधहीन यहार नाम गोत्र नाही यहा सर्वार्थीहर तुम्बे नित्य एही रूप को भजना कर आम्भर एही रूप सर्वदृष्ट स्वरूप आकाश परि सर्वगत श्रेष्ठ सर्वदा ही प्रकाशवान जन्म और मृत्यु रहित एवं अद्वितीय सच्चित स्वरूप निर्लिप्त सर्वव्यापी अद्वय सर्वस्वरूप और सर्वदा विमुक्त स्वभाव आम्भे दृश्यधार स्वरूप शुद्ध विकार रहित आम्भर स्वाभाविक कौनसी विषय नाही आम्भे अग्र पश्चात ऊर्ध्व और अधः सर्वत्र परिपूर्ण आम्भे परिव्यापक वस्तु एही प्रकार आम्भंकु भावना कर आम्भे जन्म मृत्यु जरा रहित अमृत स्वरूप आम्भे स्वयं ज्योति ही सर्वगत अव्यय स्वरूप आर कारण मध्य नाही कार्य मध्य नाही आम्भे अति निर्मल स्वभाव आम्भे सर्वदा ही परितृप्त आम्भ र एही प्रकार भावना कर। पुनश्च प्रभु रामचंद्र भक्त हनुमान को कहुचंति सही मुक्तिपनिषद रे एक सत्र रे दुराचारो रतोवापी मनमा भजनात् कपे सालोक्य मुक्ति माप्नोति न तु लोकांत राधिकम। हे कपिवर दुराचार परायण होई मध्य जदि कहीं आमर नाम भजना करे तेबे से सालोक्य मुक्ति प्राप्त हुए अर्थात ईश्वरंक समान लोकर अधिकार हुए। अर्जुन जेतेबेले विश्वरूप दर्शन कले सेतेबेले से बुझिपारे कृष्ण किए अटंती एवं पूर्वरु से कृष्ण को हे कृष्ण हे यादव हे सखेति इत्यादि जो कही से प्रार्थना कर गीता श्रीमद भगवद गीता एकादश अध्याय 41 नंबर श्लोक कही सखेति मत्पा मृषभं जदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानं तद्वेदं मया प्रणादात् प्रणयेन वापि। आपणंकर ए विश्वरूप ओ महिमा को न जाणि असावधानता वशतः एवं आपणंक सखा मने करी प्रणय हेतुरु मो अविचार पूर्वक हे कृष्ण हे यादव हे सके इत्यादि जहाँ भाविथिलि एवं कहिथिलि ताहा पाई क्षमा प्रार्थना करुछि आपण सही ब्रह्म अटंती।